आप ये बताएं कि बारिश के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बारिश कब तक चलेगी? काफ़ी कुछ कह नहीं सकते, ये 3-4 दिन से कह रहे हैं कि डेली होगी, कब होगी। बहुत अच्छा है, गर्मी कम हो जाएगी, मतलब जो जानवर वानवर लाए लोगों जानवर वो किस तरह रख रहे हैं? जानवरों को उन्होंने प्लास्टिक बांध के इंतजाम किए हुए पहले से, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश चल रही है। और ये गूगल है, जो गूगल बताता है ये बारिश का कि अब होगी, मगर गूगल की हटके हो रही है सारी चीज़ें, क्यों हो रही है? ये तो अल्लाह ताला के निज़ाम है, सिस्टम है, वो तो अपनी तरफ से बताते हैं, पर ये कि जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है। ये आप देख रहे हैं अभी ये बादल देख रहे हैं, ये कब तक बरसेंगे या कोई अंदाज़ा? कोई ये कुछ कह नहीं सकते, अभी जिस तरह ये मौसम बना था बारिश का, तो ये तो बहुत तेज, पर अभी इतनी हुई नहीं। ये हमारे बस साहब हैं, इनसे मालूम करेंगे। आप क्या आपका ख्याल है बारिश के बारे में? नहीं, बारिश अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला की नेमत है, ज़्यादा गर्मी भी इससे दूर हुई है और बहुत अच्छी चीज़ है बारिश। बाकी रहा मसला जानवरों का, लोगों ने उसकी सेफ्टी की हुई है। और जानवर में जो बीमारी आई है तो वो कहाँ तक फैल रही है? बीमारी का जहाँ तक ताल्लुक है, बीमारी तो है ऐसे चलेगी, लंबी बारिश चलेगी, बीमारी तो है जानवर में, बारिश लग रही। लेकिन वही जानवर यहाँ आए जिनको वैक्सीन हुई है और वही जानवर यहाँ छोड़े गए। ये बताएं कि बारिश कब तक चलेगी? ये बारिश का अंदाज़ा तो ये है कि ये इंशाल्लाह ईद वाले दिन भी इंशाल्लाह बारिश का पहली दूसरी मतलब कौन पहली अंदेशा है कि बारिश होगी। तो लोग कुर्बानी कैसे करेंगे फिर? बस अपने घरों में जानवर कटवाएंगे क्या, कमरों में कटवाएंगे, कहाँ कटवाएंगे? बारिश तेज हो रही है, हो जाएगा इंशाल्लाह बारिश। हाँ, बारिश देखें अभी आप, अल्लाह की रहमत के तेज़ होती जा रही है, माशाल्लाह खूब अच्छी बरस रही है बारिश, माशाल्लाह। बस यही है, लाल ठीक है, लाला बहुत अच्छी हो रही है, कराची में गर्मी बहुत हो गई थी, तो बारिश हुई है तो सकून हुआ है, मज़ा आ रहा है बहुत, और रहमत की बारिश है, और ब्लेसड हुआ है कि ऐसी बारिश होती रहे। और देर कब तक चलेगी ये बारिश का मुझे बताएंगे आप? बारिश बस यही हुआ है कि होती रहे और जो है नाले भी भरे। और मसला ये है कि बकरा इसके दिन है और ये जानवर भी आए हैं, इनके आप क्या कहेंगे इनके बारे में? इनकी सेफ्टी करी जाए, इनको घर में बांधा जाए। और जिनके घर छोटे होंगे तो उनके वो क्या मानेंगे? उनके लिए कैंपिंग का इंतजाम करा जाए। और जो है ये कौन करेगा, ये ख्याल कौन करेगा? चौबई एरिया चौदह।